concrete equipments in which we will first study concrete mixtures. आज हम लोग यूनिट सिक्स में हमारी जो पहली मॉड्यूल है उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले कंक्रीट मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली बेसिकली कंक्रीट मिक्सचर एक इक्विपमेंट है, इट्स अ मशीन जो कि आपके अलग कंक्रीट के अलग अलग रॉ मटेरियल्स को मिक्स करने में काम आते हैं. इन जनरल आपने पहले देखा होगा कि जब आप घरों का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे मैन्युअली जो है कंक्रीट्स के इंग्रेडिएंट को मिक्स किया जाता है, जैसे कि सैंड, एग्रीगेट्स, सीमेंट, वाटर. तो दो दे यूज टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स मैन्युअली. जब धीरे धीरे और ज़रूरत हुई, कंक्रीट की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत हुई, क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूवमेंट हुआ, तो हमने R&D किया, उसमें रिसर्च किया और हमने फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए जिसको हम लोग कहते हैं कंक्रीट मिक्सर. तो ये मिक्सर जो है आप सेम आप घर में जो एक मिक्सर यूज़ करते हैं, जूसर, ग्राइंडर, मिक्सर, आप उसको उस तरह से रिजेंबल कर सकते हैं कि आपको मसाला बनाना हो तो काट देते हैं, आप दो तीन तरह का फ्रूट्स मिला के जूस बनाते हैं. तो इन द सेम वे जो कंक्रीट मिक्सचर का काम भी वही है कि अलग अलग जो रॉ मटेरियल है कंक्रीट की, उस रॉ मटेरियल को प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेके उसको मिक्स करके डिजायर कंसिस्टेंसी में उसको निकालना. सो आप बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर यू शुड नो व्हाट इज द बेसिक थिंग यू शुड डू बिफोर मिक्सिंग. तो सबसे पहले क्या होता है कि उनकी या बैचिंग होती है. बैचिंग मतलब कि आपकी मान लीजिए कि आप हर एक बैच में, बैच मतलब होता है एक टाइम में जितनी क्वांटिटी आप मिक्स करते हैं, उसका हो सकता है कि आप उसकी उसमें क्वांटिटी को वॉल्यूम वाइज आप डालें, मान लीजिए मीटर क्यूब या लीटर के हिसाब से, या तो आप उसके मास मतलब वेट के हिसाब से डालें. तो दो तरह की बैचिंग होती है, एक होती है बैचिंग बाय वॉल्यूम, एक होती है बैचिंग बाय वेट. तो इन जनरल एज फार एज आर सिविल कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न्ड, वी यूज वेट बैचिंग बाय वॉल्यूम, मतलब वेट बैच करते हैं. मतलब हम लोग डिफाइन कर लिए रहते हैं कि एक बैच में, जैसे एक बैच में मान लीजिए 0.5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनेगा, तो 0.5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में कितना कितना इंग्रेडिएंट, जैसे कि सैंड कितना केजी लगेगा, एग्रीगेट कितना केजी लगेगा, सीमेंट कितना केजी लगेगा, वाटर कितना लीटर लगेगा, तो या उसको भी आप वेट में करना चाहें तो उसको भी वेट में चेंज कर सकते हैं. तो हम लोग पहले से ये वी हमें मिक्स डिज़ाइन से हमें पहले से ये पता रहता है. जब हमें ये पता रहता है कि हमारे बैच में हमें एक बैच में किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, नाउ वी आर रेडी टू यूज़ द कंक्रीट मिक्सचर. हम कंक्रीट मिक्सचर को यूज़ करने के लिए अब रेडी हैं. तो बेसिकली वाटर, इफ़ यू विल बी आस्क्ड कि व्हाट इज़ कंक्रीट मिक्सचर, यू विल सिंपली से कंक्रीट मिक्सचर इज़ एन इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड बेसिकली टू मिक्स द कंक्रीट इन डेजिग्नेटेड प्रपोर्शन एज पर मिक्स डिज़ाइन. इट डजेंट मीन कि आप किसी भी प्रपोर्शन में उसको मिक्स कर लीजिए. तो आपके पास जो भी अलग जो भी ग्रेड की कंक्रीट आप बना रहे हैं उसकी जो भी प्रपोर्शन मिक्स फिक्स्ड है, आप उसी प्रपोर्शन को यूज़ करके आप कंक्रीटिंग मिक्सिंग करेंगे. तो ये हो गया कंक्रीट मिक्सचर. तो बेसिकली कंक्रीट मिक्सचर हैज़ बीन सब डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स. लेट अस सी क्या क्या अलग अलग टाइप्स हैं जिसमें कंक्रीट मिक्सचर को हम लोग सब डिवाइड करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज ड्रम टाइप कंक्रीट मिक्सचर, ड्रम टाइप कंक्रीट मिक्सचर. ओके, द सेकेंड इज पैन टाइप कंक्रीट मिक्सचर, द थर्ड वन इज पेविंग मिक्सचर एंड द फोर्थ वन इज ट्रांजिट मिक्सचर. सो दीज आर द फोर इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स जिसमें आप जो है कंक्रीट को मिक्स करते हैं. एक और टाइप होता है जिसमें ये एक्चुअली बैच वाइज, मतलब ये आपको क्या था, अलग अलग बैच में आपको कंक्रीटिंग देता है.
और अगर आपको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए कंक्रीट का, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कंक्रीट, तो उसके लिए आपको प्लांट बिठाना पड़ता है, ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड प्लांट होता है जिसमें आपकी मिक्सिंग होती रहती है, और बाय प्रॉपर बाय थ्रू यूजिंग लिफ्ट ट्रॉलीज और यूजिंग पंप कंक्रीट आप कंटिन्यूअस कंक्रीट को सप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये जो चार टाइप है ये बैच टाइप है, मतलब कि एक बैच में कंक्रीट दिया, फिर दूसरा बैच में दिया, फिर तीसरा बैच में दिया। तो ये हो सकता है कंटिन्यूअस हो सकता है इंटरमिटेंट हो, मतलब रेगुलर ना हो, बीच बीच में कुछ समय समय के बाद आपका आए। और एक टाइप कंक्रीट होता है जिसमें कंटिन्यूअस आप कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने साइट पे प्लांट बिठा लिया है एंड यू आर प्रोवाइडिंग कंक्रीट कंटिन्यूअसली, तो उस टाइप के लिए आपको सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक आपको कंक्रीट प्लांट बिठाना पड़ेगा। इसी सेक्शन का मतलब इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक भी हमें वो पढ़ना है, ऑटोमेटेड कंक्रीट प्लांट्स, तो वी विल ऑल्सो सी दैट इन लेटर सेक्शन लेटर। नाउ आप देखिए जो ये सारे अलग अलग टाइप्स हमने मिक्सर बताए हैं, मैं आपको उसके अलग अलग डायग्राम में शो करता हूँ। यू कैन सी आई एम मूविंग माई कर्सर। तो ये जो हमने अलग अलग आपको टाइप्स बताए थे वही अलग अलग टाइप्स के ये अलग अलग मिक्सचर्स के ये ड्राइंग्स हैं। यू कैन सी एक्चुअली इट्स नॉट ड्राइंग इट्स इमेज, ये एक्चुअल इमेज है इन सारे मिक्सचर्स का। ये जो पहला टाइप जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, तो ये वाला जो मिक्सचर है इसे कहते हैं हम पैन टाइप मिक्सचर। ये चूंकि पैन की तरह कढ़ाई की तरह दिख रहा है तो इस टाइप मिक्सचर को कहते हैं हम लोग पैन टाइप मिक्सचर। और ये अगर इसका जो ऊपर का जो सिरा है हम हटा देते हैं तो प्लान में अगर देखेंगे तो ये इस तरह का पैन टाइप मिक्सचर दिखता है, मतलब ये पैन की तरह दिखता है, इसमें ब्लेड्स लगे रहते हैं और बीच में रोटेटिंग डिवाइस रहता है जिसके कारण ये मूव करता है। तो जो इस पैन टाइप मिक्सचर में क्या होता है, जब आप इंग्रेडिएंट डाल देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली रिवॉल्व करता है और हॉरिजॉन्टल रिवॉल्यूशन ऑफ दीज ब्लेड्स प्रॉपर मिक्सिंग होता है। उसके बाद एक आउटलेट होता है इसका, इस आउटलेट के थ्रू उसको खोल देते हैं तो फिर जो आपका मिक्स कंक्रीट है वो गिर जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा है ड्रम टाइप मिक्सचर। तो बेसिकली जो आपका ड्रम टाइप मिक्सचर है वो दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक है आप देखिए एक है टिल्टिंग, मतलब जो मिक्सचर टिल्ट कर जाए, मतलब एक किसी एक साइड में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में किसी एक साइड में अगर वो टिल्ट करके डिस्चार्ज करता है तो एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये फंक्शन करता है। अभी ये जानिए कि ये ड्रम, चूंकि ये ड्रम यूज़ किया है इसलिए इसको ड्रम टाइप कहते हैं, और चूंकि ये टिल्ट कर सकता है या तो राइट या तो लेफ्ट, इसको कहते हैं हम लोग टिल्टिंग मिक्सचर। और उस जस्ट उसके नीचे देखिए आई एम मूविंग माई कर्सर, ये भी एक ड्रम टाइप मिक्सचर है। चूंकि ड्रम टाइप मिक्सचर मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन दोनों को ड्रम टाइप मिक्सचर इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ड्रम यूज हुआ है एज ए मिक्सिंग मीडिया। अब जो मिक्स कर रहे थे इंग्रेडिएंट्स को उसमें जिस आप बाउल में यूज मिक्स कर रहे थे वो ड्रम शेप का था, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट देम ड्रम टाइप मिक्सचर। अब आप इसमें देखिए ये जो मिक्सचर है नीचे वाला जो मिक्सचर है इसमें आप इसको टिल्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब कि ये जिसकी जो एक्सियल प्लेसमेंट है वो यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब कुछ हमको ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि आराम मिक्सिंग होने के बाद जो डिस्चार्ज हो जाए बिना इसको टेढ़ा किए, बिना इसे टिल्ट किए। तो ये दोनों टाइप जो है मिक्सचर्स के ये नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर्स हैं। तो ये वाला तो आ गया टिल्टिंग टाइप मिक्सचर्स और ये दोनों आ गया नॉन टिल्टेड टाइप मिक्सचर्स। तो वी विल सी इन द लेटर डिस्कशन कि कैसे कैसे ये काम करता है। उसके बाद ये जो आपका मिक्सचर है ये ऑटोमेटेड है, मतलब यहाँ मिक्स होके ऑटो कंटिन्यूअस आपको सप्लाई दे रहा है। नाउ वी विल कम ऑन आवर टॉपिक। तो बेसिकली ड्रम टाइप मिक्सचर्स, इन द ड्रम टाइप मिक्सचर्स ड्रम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज उसी ड्रम में जो होता है सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है। और
कि जो मिक्सर की कैपेसिटी होगी वो उसके ड्रम की कैपेसिटी की ड्रम की वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जितना बड़ा ड्रम का वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा आप कंक्रीट उसमें मिक्स कर पाएंगे, जितना कम आपका ड्रम का वॉल्यूम होगा उतना कम आप कंक्रीट मिक्स कर पाएंगे। सो ऑन द बेसिस कि ड्रम का क्या मूवमेंट है, मतलब क्या ड्रम टिल्ट कर सकता है या ड्रम नहीं टिल्ट कर पाएगा, तो आप ड्रम टाइप मिक्सचर्स को तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टिल्टिंग टाइप मिक्सचर, वह मिक्सचर जो टिल्ट कर सके किसी एक साइड में या दोनों साइड में, राइट या लेफ्ट, उस मिक्सचर को कहते हैं हम लोग टिल्टिंग टाइप मिक्सचर। द सेकेंड वन इज नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर, मतलब कि वैसा मिक्सचर जिसमें जिसको आप टिल्ट ना कर सके, मतलब उसकी जो पोजीशन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिचार्ज, मतलब जब आप मेक इंग्रेडिएंट डालते हैं उसको बोलते हैं रिचार्ज, और जब आप मिक्सिंग के बाद निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिचार्ज एंड डिस्चार्ज द पोजिशन ऑफ द ड्रम विल रिमेन द सेम, मतलब पोजिशन चेंज नहीं करेगा, टिल्ट नहीं करेगा, तो उस टाइप मिक्सचर को हम कहते हैं नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर। ये नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर्स के दो टाइप होते हैं बेसिकली। उसी जो नीचे वाला जो मिक्सचर है जिसका जिसे आप कहते हैं रिवर्सिंग टाइप ऑफ मिक्सचर, तो वो भी इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर। रिवर्सिंग टाइप मिक्सचर भी एक नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर ही है। वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है नॉन टिल्टिंग और रिवर्सिंग में। हम आगे जब नॉन टिल्टिंग पढ़ लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि रिवर्सिंग टाइप मिक्सचर इज ऑल्सो अ नॉन टिल्टिंग टाइप विथ अ बेसिक डिफरेंस। एक डिफरेंस है जो इन दोनों को अलग करता है, मतलब कौन को अलग करेगा, दो और तीन, लेकिन बेसिकली दोनों का जो ड्रम का पोजिशन है वो फिक्स ही होता है। मतलब ड्रम इज नॉट अलाउड टू टिल्ट, मतलब ये उसको टिल्ट होने की इसकी परमिशन नहीं मिलती। तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर्स। नाउ आप देखेंगे टिल्टिंग टाइप मिक्सचर को कैसे डिफाइन करेंगे। टिल्टिंग टाइप मिक्सचर्स द ड्रम कैन बी टिल्टेड एट वन एंड आफ्टर प्रॉपर मिक्सिंग इज डन, मतलब एक बार आपने मटेरियल इंग्रेडिएंट डाल दिया, सारे कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर डाल दिया, उसके बाद उसकी प्रॉपर जो है आपने उसको मिक्स करा दिया, जो मिक्स कराने के बाद वो जब डिस्चार्ज की बारी आई, जब आपको कंक्रीट निकालने की बारी आई, तो आप फाइनली क्या करते हैं उसको टिल्ट कर देते हैं। तो उस टाइप मिक्सचर्स को कहेंगे हम टिल्टिंग टाइप मिक्सचर। इसकी कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करेगी कि आपकी जो ड्रम की कैपेसिटी क्या है, तो इट वेरीज फ्रॉम 0.1 m³ टू 0.2 m³। आप समझ सकते हैं कि 0.1 m³ टू 0.2 m³, मतलब 100 लीटर से 200 लीटर इसका वैरी करता है, छोटा से लेके बड़ा। तो बेसिकली ये टिल्टिंग टाइप मिक्सचर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप मिक्सचर है, जो छोटे कंस्ट्रक्शंस जहाँ भी होते हैं, घर बनना होता है, छोटे मोटे बिल्डिंग्स में छोटे मोटे जो काम होते हैं, या आप समझिए कि रिपेयर सर्विसेज जहाँ होता है वहाँ टिल्टिंग टाइप मिक्सचर यू विल सी दीज आर वेरी कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल कंक्रीट मिक्सचर इक्विपमेंट। ओके, बेसिकली जो ये टिल्टिंग टाइप मिक्सचर होते हैं वो उनका जो ड्रम होता है वो कास्ट आयरन का बना रहता है, और उसके अंदर में, उनके ड्रम के अंदर में ब्लेड्स लगे रहते हैं अलग अलग इंक्लिनेशन पे, ताकि जब वो घूमता है, जब वो रोटेट होता है, तो रोटेट के दौरान जो है सारे इंग्रेडिएंट्स का प्रॉपर मिक्सिंग हो। ठीक है, और कंटिन्यूअस एजिटेशन, एजिटेशन मतलब होता है कि उसको एजिटेट करके रखना, कहने का मतलब होता है उसको मिक्स मिक्स मोड में हमेशा रखना, ऐसा नहीं कि कोई स्टैटिक हो। तो कंटिन्यूअस एजिटेशन से क्या होता है, सारे जो उसके इंग्रेडिएंट होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं प्रॉपर। आपको हमने पहले ही बताया था कि हमको पहले ही पता हो जाना चाहिए कि बैच में पहले कितना पानी, कितना क्या मिक्स किया जाता है, और उसको किस आरपीएम पे मूव करना है, वो भी डिजिग्नेटेड पहले से डिफाइन रहता है। उसके बाद जब वो कंप्लीट मिक्स हो जाता है तो हम उसको लीवर की सहायता से, कि
किसी एक तरफ, ये हो सकता है आपको मैन्युअली करना पड़े या हो सकता है कि उसमें ऑटोमेटिक स्विच हो, आप जैसे दबाएंगे वो किसी एक तरफ मुड़ के और डिस्चार्ज कर देगा। आई एम शोइंग यू द टाइप ऑफ टिल्टर, टिल्टिंग मिक्सचर। यू कैन सी, यू सी, दिस इज़ अ टिपिकल टिल्टिंग मिक्सचर। उसमें आप देख सकते हैं ये जो ये है ये ड्रम है, ठीक है, और ये एक्चुअली इसकी हैंडलिंग होती है, जहाँ से आप क्या कर सकते करते हैं कि कब उसको डिस्चार्ज करना है। तो आप प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, और जब आपकी मिक्सिंग हो जाती है और एजिटेट हो जाता है पूरा, तो इसकी वजह से, इस लीवर की वजह से ये बिल्कुल आपके जैसे आपके अपने गाड़ी में, कार में आप जो यूज़ करते हैं उसी तरह का रहता है। यू कैन यूज़ इट, और जब प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी तो ये प्रॉपर मिक्सिंग के बाद ये किसी भी तरफ या राइट या लेफ्ट वो टिल्ट करके डिस्चार्ज कर देता है। यहाँ पे डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर इसके अंदर लगा, इस कंपार्टमेंट के अंदर लगा रहता है। यही मोटर और इंजन जो है इसके, इस ड्रम को रिवॉल्व कराते रहता है, और ताकि जो इसके अंदर का इंग्रेडिएंट है, मटेरियल है, ये मिक्स होता रहे, प्रॉपर मिक्सिंग होती रहे। और फिर आप क्या करते हैं इसको मैन्युअली, ये स्टीयरिंग टाइप का होता है, मैंने बताया गाड़ी में जो रेगुलर स्टीयरिंग यूज़ करते हैं, उसको आपको जब डिस्चार्ज करना हो तो उसको मोड़ देते हैं, फिर ये किसी इस तरफ राइट या किसी लेफ्ट के तरफ ये आपका झुक के आपके सारे मटेरियल निकल जाता है। तो बेसिकली दिस इज़ द कॉमन, दिस इज़ अ वेरी कॉमन डायग्राम ऑफ टिल्टिंग टाइप मिक्सचर। यू कैन ऑल्सो सी, आई एम शोइंग यू, वेट, आई एम शोइंग यू, दिस इज़, यू कैन सी, दिस इज़ अ जी आई एफ ऑफ फॉर्मेट ऑफ टिल्ट। अब आप देखिए कि इसमें मिक्स हो रहा है, इस टिल्टिंग मिक्सचर में ये मिक्स हो रहा है, आपको ब्लेड्स नज़र आ रहे हैं, यू कैन सी द मिक्सिंग। अब जब ये पूरा प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लीवर दिख रहा है, आई एम मूविंग माई कर्सर, ये लीवर को आप उल्टी तरफ कर देते हैं तो ये झुक के सारा मटेरियल जो है निकल जाता है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ टिल्टिंग, दिस इज़ अ टिपिकल टाइप ऑफ टिल्टर और टिल्टिंग टाइप मिक्सचर्स। परहैप्स यू हैव गॉट माई पॉइंट, नाउ वी विल मूव टू नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर्स। तो नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर्स हमने पहले ही पढ़ लिया कि इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स ऑल द इंग्रेडिएंट शुड बी मिक्स्ड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। आप एक एंड से, एक छोर से आप सारे मटेरियल को डालते हैं विद द वाटर, एंड व्हेन द इंग्रेडिएंट्स आर चार्ज्ड एंड लोडिंग स्किप, इट इज़ देन लिफ्टेड एंड पोअर्ड इन टू रोटरी ड्रम, एंड देन यूनिफॉर्म एंड होल मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज देन। उसको आराम से पूरा प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, और जब प्रॉपर इसकी मिक्सिंग हो जाती है तो एक रिवॉल्विंग वेलोसिटी दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हॉरिजेंटल एक्सिस होने के बावजूद क्या होता है, वो डिस्चार्ज एंड से दूसरे वाले एंड से वो जो जिसका मुंह, जिसका सिर सिरा खुला हुआ होता है, वहां से वो निकल जाता है। क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि इसमें आप वो टिल्ट नहीं हो पाता है, तो आपको जो डिस्चार्ज चाहिए, मतलब जितनी वॉल्यूम में, बहुत अगर हैवी अमाउंट में आपको चाहिए कंक्रीट, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में एक साथ नहीं निकल पाएगा, मतलब इसकी ऑपरेशन जो है, यू कैन सी, आई एम शोइंग यू, देखिए ये नॉन टिल्टिंग टाइप ही है। आप देखिए यहाँ पे सारे मटेरियल्स को वो डाल देते हैं, सारे मटेरियल्स में डालने के बाद इसमें प्रॉपर ये मूव करते रहता है, मूव करते रहता है, ये मिक्स करते रहता है, और मिक्स करने के बाद क्या होता है कि एक वेलोसिटी, जब डिस्चार्ज करने का टाइम होता है, तो वहाँ पे आपके पास ऐसा सिस्टम रहता है जिसमें ये सामने वाला, आगे वाला हाई वेलोसिटी से मूव करने लगता है ये ड्रम, और उसको ऐसा वेलोसिटी मिल जाता है जिससे ये आगे से डिस्चार्ज होके आपका निकल जाए, यहाँ से निकल जाए। तो
इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि चूंकि इसकी जो एक्सिस है ये फिक्स्ड है, ये टिल्ट नहीं हो पा रही है, तो डिस्चार्ज जो है कंक्रीट का, अगर बहुत आपको ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए कंक्रीट का, तो ये नॉन टिल्टिंग से नहीं निकल पाएगा। तो दिस इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉन टिल्टिंग मिक्सचर। तो आपको हमने बताया था कि एक नॉन टिल्टिंग मिक्सचर और जो रिवर्सिंग टाइप मिक्सचर में एक बेसिकली डिफरेंस यही है कि दोनों नॉन टिल्टिंग है, मतलब ड्रम जो होता है टिल्ट नहीं करता है, लेकिन रिवर्सिंग टाइप और नॉन टिल्टिंग मिक्सचर में एक ही डिफरेंस है कि डिस्चार्ज कैसे होता है। आई विल शो यू। लेट्स सी, इन दिस नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर आपका जो एक्सिस होता है उस वो फिक्स्ड रहता है, और जो आप इंग्रेडिएंट डालते हैं जब लास्ट में डिस्चार्ज करना होता है, तो रोटेशन का जो मतलब नेचर है, जैसे अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज ही मूव करेगा, और उसी क्लॉकवाइज मूवमेंट में जब स्पीड आपका बढ़ जाता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। ये नॉन टिल्टिंग टाइप ड्रम मिक्सचर था। लेकिन जो आपका रिवर्सिंग ड्रम मिक्सचर है, आई विल शो यू, ये रिवर्सिंग ड्रम मिक्सचर है जो है, ये भी नॉन टिल्टिंग टाइप का ही मिक्सचर है, ये ड्रम है, आप देख सकते हैं। इस ड्रम में मिक्सिंग हो रहा है प्रॉपर, मतलब इंग्रेडिएंट आपने सारे फीडर से यहाँ डाले, पानी निकाल दिया, एड मिक्सचर डाल दिया, सारे मिक्सचर डाले, इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये मूव कर रहा है, लेकिन ये मूव करता है मिक्सिंग के टाइम में, लेकिन जब डिस्चार्जिंग का टाइम आता है तो ये, जब मान लीजिए क्लॉकवाइज मूव कर रहा था आपका चार्जिंग के टाइम में, मिक्सिंग के टाइम में, तो जब उसको कंक्रीट निकालना पड़ता है, डिस्चार्ज करना पड़ता है, तो इस ब्लेड्स का इस तरह से डिज़ाइन रहता है कि जैसे इसको डिस्चार्ज टाइम होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगता है, जस्ट उल्टा, रिवर्स। तो उसके कारण क्या होता है कि आराम से जो मटेरियल होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, आपका डिस्चार्जिंग, ये जो शाफ्ट है, जो चूट है, इसके थ्रू ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो यही आपका रिवर्सिंग टाइप मिक्सचर है, जो कि एक नॉन टिल्टिंग टाइप है, लेकिन खाली एक ही डिफरेंस है कि रिवर्सिंग टाइप में जो होता है ये नेचर चेंज हो जाता है रिवॉल्यूशन का, और लेकिन नॉर्मल नॉन टिल्टिंग में नेचर सेम चेंज नहीं होता, जिस तरह से रिवॉल्व कर रहा होता है लास्ट डिस्चार्जिंग टाइम में भी वही रिवॉल्व करता है। तो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस दैट आई थॉट इट शुड बी मेड क्लियर टू यू। नाउ आप देखिए, बेसिकली जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं टिल्टिंग और नॉन टिल्टिंग टाइप्स के, साइज को बेसिकली इस तरह से दिखाया जाता है, 85T, 100T, 140T, 200T, नॉन टिल्टिंग साइज के ऐसे ऐसे को दिखाया जाता है। तो ये जो नंबर है 85, 100 और 140, ये नंबर बताता है कितना एक बैच में कितना ये कंक्रीट का वॉल्यूम लीटर्स में लेता है, ठीक। और टी बताता है कि इसका ड्रम का कैसा नेचर है, टिल्टिंग, और जो एनटी बताता है इसका ड्रम का क्या नेचर है, नॉन टिल्टिंग। तो यू ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, जो नंबर्स बता रहा है कि कितना वॉल्यूम लीटर्स में ले रहा है, और टी बता रहा है कि ये किस तरह का ड्रम है, टिल्टिंग टाइप ड्रम है, और एनटी बता रहा है कि ये किस तरह का ड्रम है, ये नॉन टिल्टिंग टाइप ड्रम है। इस तरह से उनका नोमेनक्लेचर होता है, मतलब अगर आपको कहीं पे 280 NT नज़र आया मिक्सचर, तो आप समझ जाइए कि उसके एक बैच में 280 लीटर कैपेसिटी है कंक्रीट का निकालने का, और उसका नेचर है नॉन टिल्टिंग टाइप, मतलब वो टिल्ट नहीं करेगा ड्रम। आगे आपको हम दिखा रहे हैं पेविंग मिक्सचर्स। पेविंग मिक्सचर्स क्या होता है, जब आपने देखा होगा बहुत जगह जो रोड्स का आपका जो हाईवे बनते रहता है, और हाईवे बनने के दौरान आपको इन द केस ऑफ रिजिड पेवमेंट, जो रिजिड पेवमेंट होता है उसमें आपको कंटिन्यूअस सप्लाई कंक्रीट की ज़रूरत होती है, और उस कंटिन्यूअस कंक्रीट सप्लाई के लिए आपको मिक्सचर्स यूज़ करने पड़ते हैं, और दोज मिक्सचर्स आर नोन एज पेविंग मिक्सचर्स। पेविंग मिक्सचर्स दे आर ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, उसकी काफ़ी बड़ी साइज होती है उसकी मिक्सिंग यूनिट की, उसके बाद उसमें फीडिंग अरेंजमेंट रहता है जिसमें अलग अलग कंक्रीट के मटेरियल जैसे सैंड, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के अलग अलग शाफ्ट बने हुए रहते हैं, वहाँ से वो
हर एक बैच में डाला जाता है प्रॉपर मिक्सिंग होने के बाद, डायरेक्ट वहीं मिक्स करके उस मिक्सर के थ्रू डायरेक्ट रोड पे वहीं पे डाला जाता है। फिर अगर वो हो सकता है व्हील माउंटेड हो या क्रॉलर माउंटेड हो, बेसिकली आप जो पेविंग मिक्सर्स देखिएगा वो क्रॉलर माउंटेड होते हैं, वो धीरे धीरे मूव करते रहता है, एक एंड से वो मूव करते जाता है, रोड बनाते जाता है, मूव करते जाता है। ये थोड़े इसके साइज जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली एक जगह पे ये 0.75 क्यूबिक मीटर से लेके 1 क्यूबिक मीटर मिक्सर्स का साइज होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पेविंग मिक्सर का इन जनरल यूज़ होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन में, या एयरवेज का जब आपका बनता है जहाँ पे फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती है, तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन में पेविंग मिक्सर्स को यूज करते हैं। आई विल शो यू वन ऑफ द टिपिकल इमेज ऑफ पेविंग मिक्सर्स। यू सी दिस इज वन ऑफ द टिपिकल इमेज ऑफ द पेविंग मिक्सर्स। आप देखिए कि यहाँ पे मिक्स हो रहा है प्रॉपर, मिक्स होने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, ये देख रहे हैं डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होने के बाद ये मटेरियल यहाँ पे रख दिया गया है, और यहाँ पे इसके को प्लेन करने के लिए इसके पास ये ब्लेड्स लगे रहते हैं, ये प्रॉपर कितना कंक्रीट की थिकनेस चाहिए ये डिफाइंड हो जाता है, और फिर ये उसी तरह से प्रॉपर इसको इसकी मशीन्स में मैन्युअली करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से ये ब्लेड्स जो होते हैं मूव आगे करते रहता है, और इसको जितने थिकनेस का इसको कास्ट करना है वो थिकनेस कास्ट कर जाता है। ये देखिए ये जो पेविंग मिक्सचर है ये कंप्लीट एक्चुअली एक असेंबली ही है सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स की, और ये जो क्रॉलर माउंटेड होता है, ये देखिए क्रॉलर माउंटेड ये मिक्सचर है। नाउ लेट अस सी आवर लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिक्सचर, ट्रांजिट मिक्सचर। ये जो ट्रांजिट मिक्सचर होता है ये आपके शहर में भी आपने बहुत जगह दिया होगा। ट्रांजिट मिक्सचर दो वर्ड से आया है, एक होता है ट्रांजिट और दूसरा है मिक्सचर। ट्रांजिट मतलब होता है कि कुछ वैसा चीज़ जो कि मोशन में हो, कहने का मतलब है कि वैसा मिक्सचर जो कि चलते चलते मिक्स होता हो, तो उस टाइप मिक्सचर्स को ही ट्रांजिट मिक्सचर्स कहते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इक्विपमेंट और मिक्सचर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, एंड दीज आर बेसिकली ट्रक माउंटेड मिक्सचर्स। मतलब कि ये बहुत ही पॉपुलर मिक्सचर सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर है, और ये एक जगह से दूसरे जगह बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने कंक्रीट को जाके डिस्चार्ज करता है। बेसिकली ये ट्रक माउंटेड मिक्सचर्स होता है, जिसमें आप क्या करते हैं जहाँ से ये मिक्सिंग करते हैं, आप क्या करते हैं प्रॉपर अमाउंट में आप सारे इंग्रेडिएंट को हर एक बैच के हिसाब से डाल देते हैं, जैसे सैंड सेग्री कोर्स एग्री सैंड सीमेंट कोर्स एग्रीगेट वाटर एडमिक्सचर्स प्रॉपर अमाउंट में डाल दिया। डालने के बाद आपका ये जो ट्रक माउंटेड मिक्सचर टिल्टेड थोड़ा टिल्टेड टाइप का होता है, ये धीरे धीरे रिवॉल्व करते रहता है। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज अटैच टू द ट्रक जो होती है, मिक्सिंग जो होती है उनकी हमेशा इंश्योर होती है, और बेसिकली ये 2.6 रिवॉल्यूशन पर मीटर पे मतलब धीरे धीरे ये हमेशा रोटेट करते रहता है। उसके बाद जहाँ से आपको रवाना करना है, मान लीजिए वहाँ पे आपको कंक्रीट की ज़रूरत थी, जहाँ पे जो है एरिया नहीं है मतलब मिक्सिंग करने का, तो आप कहीं दूसरे जगह इसको मिक्स करते हैं, इस तरह से मिक्सर्स में ट्रांजिट मिक्सर्स में डालते हैं और डायरेक्ट आप वहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो बेसिकली ये बहुत हैवी 4 मीटर क्यूब से लेकर 7 मीटर क्यूब तक इसकी जो वॉल्यूम होती है ड्रम की, ट्रक माउंटेड ड्रम मिक्सर टाइप का ही होता है ये रहती है। इसमें दो तीन चीज बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पहला कि जो मिक्सिंग होती है इसमें, वो मिक्सिंग करने के समय मतलब मिक्स करने के समय इसकी प्रॉपर प्रोपोर्शन ध्यान दी जाती है, ऐसा दिया जाता है, ऐसा नहीं कि जो है स्टिफ हो जाए।
अगर स्टिफ हो जाएगा तो जहाँ से आपने इंग्रेडिएंट डाला है और जहाँ इसको जाना है, मान लीजिए इसको 5 किलोमीटर तक जाना है, वहाँ पहुँचते पहुँचते स्टिफ हो जाएगा तो फिर कंक्रीट का मतलब नहीं बनेगा। दूसरा क्या होता है कि रास्ते में ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइम जाते समय भी आपको इंश्योर करना होता है कि जो आपका जो ड्रम है वो धीरे धीरे ही जो है रिवॉल्व करता रहे। अगर रिवॉल्यूशन उसका बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक जगह कंक्रीट सेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, सेट होने हो जाएगा वो, तो फिर जब आपको निकालने की कोशिश करेंगे तो निकलेगा नहीं, प्लस निकलेगा भी तो वो सेटिंग हो जाएगा, तो सेटिंग होने के बाद आप कोई सेट या पार्शली सेट कंक्रीट यूज़ करेंगे तो फिर उसकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो ट्रांजिट मिक्सचर है तो बहुत अच्छा, लेकिन इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि कंक्रीट पंप को माउंट कर दिया जाता है ट्रांजिट मिक्सर के साथ, कि डायरेक्ट वहाँ से उसके डिस्चार्जिंग एंड से निकाले पंप में, और पंप जो है कंक्रीट पंप करके जहाँ आपको यूज़ करना है वहाँ डाल दे। इससे क्या होगा, एट दैट साइट आप बहुत जल्दी कंक्रीट को यूटिलाइज कर लेते हैं। नो आई विल शो यू द वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिट मिक्सर। पहले ट्रांजिट मिक्सर के पार्ट्स को आप देख लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रांजिट मिक्सर। आप देखिए, ये हॉपर था, मतलब ये हॉपर था, इसी हॉपर के थ्रू आपने क्या क्या हुआ था, सारे मटेरियल्स को, इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर डालते थे, वाटर डालते थे, सीमेंट को डालते थे, एग्रीगेट डालते थे, एडमिक्सचर्स डालते थे, ठीक है, सैंड डालते थे। इसके ये जो ड्रम है, ये ड्रम ही टाइप है, बट ये वे एक ट्रक पे माउंटेड है, और इसके अंदर ये जो ड्रम है इसके अंदर ब्लेड्स लगे रहते हैं, वो ब्लेड्स जो है वो कंटिन्यूअस इसके रिवॉल्यूशन के अराउंड वो कंटिन्यूअस प्रॉपर मिक्सिंग इंश्योर करता है, ठीक है। आप देख लीजिए, ये जो ट्रक माउंटेड, ये व्हील माउंटेड है, मतलब व्हील्स के ऊपर माउंटेड है, और ये मूव जब जब ये ट्रक चलता रहेगा तब ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो ये ड्रम है ये हल्का हल्का, जैसे कि हमने अब बताया, 2 से 3 रिवॉल्यूशन पर मिनट ये मूव करता रहे, तो इसका रिवॉल्यूशन जो है वो इंश्योर करेगा कि इसके अंदर जो कंक्रीट है वो आपका सेट नहीं हुआ है। जहाँ चल जाता है वहाँ आप डायरेक्ट इसको डिस्चार्ज चूट या डिस्चार्ज शाफ्ट के थ्रू निकाल सकते हैं, या तो अगर आपको बहुत जल्दी यूज़ करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इसके डिस्चार्ज चूट के नीचे यहाँ पे आप पंप लगा सकते हैं, यहाँ से निकलेगा पंप, लगेगा पंप निकाल के आपको जहाँ यूज़ करना है पाइप के थ्रू पम्प्ड कंक्रीट आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक टाइप ऑफ ट्रांजिट मिक्सचर, एंड यही रेडीमेड कंक्रीट का भी बेसिक कंसेप्ट है कि डायरेक्ट आपको कंक्रीट जहाँ चाहिए आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूसरी जगह मिक्स करेंगे और उसको सप्लाई कर देंगे। जैसे हम सामान खरीदते हैं मार्केट में, तो वैसे ही अब आज के डेट में कंक्रीट भी मिलता है। कंक्रीट चाहिए, कितना क्यूबिक मीटर चाहिए, 5 क्यूबिक मीटर आ जाएगा गाड़ी में। आप डायरेक्ट यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, जस्ट आप कंक्रीट रिसीव कीजिए और उसको प्लेस कीजिए। तो दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ अ ट्रांजिट मिक्सचर, एंड एट द लास्ट वी विल सी GIF ऑफ अ ट्रांजिट मिक्सचर। एक्चुअली इट वुड बी वेरी मच अट्रैक्टिव, यू कैन सी, आप देख रहे हैं ये ब्लेड्स जो है ये मूव कर रहा है, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये मिक्सिंग में, और फिर उल्टा साइड एंटी क्लॉक देखिए करेगा, देखिए अब ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज़ ए नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रक माउंटेड मिक्सचर, और यू कैन से अ ट्रांजिट मिक्सचर और RMC रेडीमेड मिक्सचर। आई हैव वन मोर GIF, यू कैन सी, ये देखिए, जब ये ट्रक चलती रहती है तो इसके ब्लेड्स मूव करते रहेंगे ताकि इसके अंदर का इंग्रेडिएंट जो है, जो आपका कंक्रीट का इंग्रेडिएंट है, ये सेट ना करे। तो दिस वाज द बेसिक टाइप, दिस इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द कंक्रीट मिक्सचर। अगले क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में वी विल टैकल डिफरेंट लेसन, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग वाइब्रेटर्स हम लोग कंक्रीट में यूज़ करते हैं, प्लस ऑटोमेटेड कंक्रीट प्लांट क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, इसको पढ़िए। वी विल मीट वेरी सून, थैंक यू वेरी मच।